हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम प्रावधिक कला 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है? ऑप्शन ए है 1:1:1, ऑप्शन बी है 2:3:2, ऑप्शन सी है 2:4:2, ऑप्शन डी है 1:3:1। तिरछे अक्षरों की जब बात की जाती है तो तिरछे अक्षरों में चारों रेखाओं के बीच जो अनुपात रखा जाता है वो है 2:3:2 का। ये आप चित्र में देख सकते हैं, तिरछे अक्षर कुछ इस प्रकार से लिखे जाएंगे। आगे की जो क्लासें होंगी उसमें हम बताएंगे कि तिरछे अक्षरों में आप कोई भी सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। इसमें कुछ इस प्रकार से ऐसे हम इसको बना देते हैं और इसमें जो अनुपात पूछा जाता है इसमें ये कह रहा है कि चारों रेखाएं, ये जो चारों रेखाएं हैं इनके बीच का यहाँ पे 2 रहता है, इसका अनुपात 3 और इसका अनुपात 2, इस प्रकार से इसका रेशियो रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 4 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है, इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी? ऑप्शन अ है 1/4000, ऑप्शन बा 1/12000, ऑप्शन सा है 1/40000, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। 1 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के आयत का जो विकर्ण है वो 200 मीटर को प्रदर्शित करता है, तो सर्वप्रथम ये जो आयत है इसका हमें विकर्ण निकालना होगा। तो आयत के विकर्ण निकालने के लिए आपको फार्मूला मालूम होगा कि ये कुछ आयत इस प्रकार से बनता है। इसमें मान लीजिए ये 4 है और ये 3 है, तो इसमें ये विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण निकालने के लिए अंडर रूट लंब का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, बराबर ये आ जाएगा अंडर रूट 16 9 25 अर्थात 5। ये आ गया 5 विकर्ण, ये इसको निकल के आया 5 सेंटीमीटर, और ये जो 5 सेंटीमीटर विकर्ण है ये 200 मीटर को प्रदर्शित करता है। तो अब इसका हमें निरूपक भिन्न निकालना है, तो ये है 5 सेंटीमीटर 200 मीटर को प्रदर्शित करता है, तो सर्वप्रथम इस 200 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 200 × 100 और इधर हो जाएगा 5। तो हमें ज्ञात है निरूपक भिन्न जब भी निकालते हैं तो ये जो छोटा मान होता है ये ऊपर रखते हैं, बड़ा मान नीचे जाता है, तो ये हो जाएगा 5/200 × 100। अब इस 5 से इसको काट देंगे, 5 × 20 यहाँ पे 40 × 100 हो जाएगा और इसका जो मान निकल के आया वो आया 4000। 1 4 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है, तो इसका निरूपक भिन्न 1/4000 निकल के आया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? ऑप्शन आ सूची स्तंभ, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सा घन, ऑप्शन द संपास। जब भी इसमें कह रहा है किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं, वर्गाकार फलक घन में होते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये आप घन का चित्र देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि वर्गाकार फलक, ये जो ये सामने का जो है ये इसका फलक होता है और ये वर्गाकार होते हैं। ये कहीं से भी आप देखेंगे सभी कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं, तो वर्गाकार फलक घन के होते हैं। यदि बात की जाए सूची स्तंभ के, सूची स्तंभ के फलक जो होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं तथा संपास के जो फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं, और शंकु के फलक जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, अर्थात ऊपर त्रिभुज और नीचे वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट है, एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य होगा, ऑप्शन आ वर्ग, ऑप्शन बा सबलम्ब, सा आयत, ऑप्शन द समष्टभुज। साधारण ईंट का आप ये चित्र देख सकते हैं, इसका कह रहा है कि सम्मुख दृश्य क्या होगा, अर्थात ये वाला जो सम्मुख भाग है ये किस प्रकार से होगा, तो इसका ये भाग कैसा होता है, आयताकार होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य आयत के आकार का होगा। नेक्स्ट है, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होती हैं? ऑप्शन आ छोटी, ऑप्शन बा बड़ी, ऑप्शन सा ऊंची, ऑप्शन दा नीची। सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए, कह रहा है कि एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं, अर्थात ये हो गई एक समान ऊंचाई की ये कुछ लंब रेखाएं हैं, ये जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी। ये जो लंब रेखाएं मान लीजिए आप इसके बिल्कुल यहाँ पे नजदीक हैं तो यहाँ से इन्हें देखेंगे तो ये आपको बड़ी प्रतीत होंगी, लेकिन कुछ समय बाद यही जो लंब रेखा यहाँ से इतनी दूर यहाँ पे कर दी जाए
तो और आप यहीं पे स्थित हैं, तो ये जो देखेंगे तो ये कैसे छोटी प्रतीत होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है छोटी। नेक्स्ट है दीर्घ वृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं, ऑप्शन आ S1 S2, ऑप्शन बा Y1 Y2, ऑप्शन सा N1 N2, ऑप्शन दा K1 K2। दीर्घ वृत्त के नाभियों को सदैव हम N1 व N2 से लिखते हैं। आपको ये अंग्रेजी में N1 N2 इस प्रकार से दे सकता है या फिर हिंदी में कुछ इस प्रकार से N1 और N2 दे सकता है, तो आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है निरूपक भिन्न का अंश और हर की सिखाई में कर लेना चाहिए, ऑप्शन आ समान, ऑप्शन बा विषम, ऑप्शन सा आवश्यकता अनुसार, ऑप्शन दा वही रहने दें। निरूपक भिन्न को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको कंप्लीट करवा दिया है, आप चैनल में जाके निरूपक भिन्न के वीडियो देख सकते हैं। निरूपक भिन्न का अंश और हर सदैव आपको समान रखना है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर दिया था, 5 सेंटीमीटर और 200 मीटर दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इसे जो मीटर था इसको भी हमने किसमें 200 सेंटीमीटर में इसमें चेंज किया था, तो इसकी जो इकाइयां होती हैं वो कैसे हम रखते हैं, समान रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है किसी सम पंचभुज का अंतःकोण होता है, ऑप्शन आ 72 डिग्री, ऑप्शन बा 60 डिग्री, ऑप्शन सा 120 डिग्री, ऑप्शन दा 108 डिग्री। सम पंचभुज का जो अंतःकोण है, अंतःकोण निकालने के लिए सर्वप्रथम इसका हम बाह्य कोण निकालेंगे। बाह्य कोण इसका निकालने के लिए सूत्र होता है 360/n, जहाँ पे n होता है भुजाओं की संख्या, इसमें सम पंचभुज अर्थात 5 भुजाओं कह रहा है, तो यहाँ पे 360/5 इस प्रकार से कर देंगे। इसको जब आप काटेंगे 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10, इसका आंसर आएगा 72। किंतु हमें ये सूत्र जो होता है ये बाह्य कोण निकालने का होता है, हमसे पूछ रहा है अंतःकोण, तो अंतःकोण निकालने के लिए 180 में ये जो हमारा मान निकलता है बाह्य कोण, इसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं। तो जब हम 180 डिग्री में 72 डिग्री हम इसमें घटाएंगे तो हमारा मान निकल के आएगा 108 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 108 डिग्री। नेक्स्ट है डायगोनल शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है, ऑप्शन आ 30:7, ऑप्शन बा 38:7, ऑप्शन सा 42:7 या ऑप्शन द 35:7। इस प्रकार के शब्दों को हम कुल खाने कैसे निकालेंगे, इससे रिलेटेड जो वीडियो है आपको पहले ही चैनल में बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा चुका है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। डायगोनल शब्द की रचना करने हेतु सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्रत्येक अक्षर कितने खानों में बनता है, तो इसमें जो डी होता है ये 4 खानों बनता है, आई 1 खानों में, ए 4 खानों में, जी 4 खानों में, ओ 4 खानों में, एन 4 खानों में, ए 4 खानों में और यल जो है ये भी 4 खानों में बनता है। तो सर्वप्रथम इन्हें सबको हम काउंट करेंगे, 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 20 24 4 28 और 1 ये 29, ये हो गए शब्दों के कुल खाने की 29 खानों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। किंतु हमें ज्ञात है कि प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच 1 खाने का हमें गैप छोड़ना होता है, तो इसमें इस प्रकार से हम काउंट कर लेंगे कि प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच 1 खाना हमें छोड़ा जाता है, तो ये कुल टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 29 और 7 हो गए कितने 36, तो 36 ये खाने हो गए कि 36 खानों में हमें ये डायगोनल लिखना पड़ेगा। डायगोनल में जो कुल खानों की आवश्यकता पड़ेगी वो होंगे 36, किंतु हमने आपको पहले इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से समझा दिया है कि जब इसमें कोई ऑप्शन आपका इस प्रकार से 36 मिलान नहीं करता तो इसमें जो आगे का एक खाना और पीछे का एक खाना होता है वो भी इसमें जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से कुल खानों की संख्या हो गई 38, या अर्थात डायगोनल जो बनेगा वो 38 खानों में बनेगा और ऊंचाई जो रहती है वो हमेशा साथ ही रहती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 38:7 का, राइट आंसर होगा डायगोनल 38:7 में बनेगा। नेक्स्ट है धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है, ऑप्शन ए मुख्य तल, ऑप्शन बी धरातल, ऑप्शन सी चित्त तल, ऑप्शन डी लोप तल। धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त जो तल मिलता है वो है चित्र तल, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे आप जब हमारी क्लास लेंगे तो इसके बारे में इनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन सबको करवा दिए जाएंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं है, 30 ही क्वेश्चन है और उन्हीं में से कोई हर वर्ष 1 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये हो गए आपके सभी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछली बार के 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। यदि आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।